नमस्ते सर, सो रहे हैं? कौन सा कक्षा है भैया? कौन सा कक्षा है ये? कौन से सर अभी पढ़ाने का टाइम है यहाँ पर? कौन सर पढ़ाते हैं? कहाँ हैं? बैठे हैं? तो किस टाइम से सर का पीरियड है? सुबह से। क्या नाम है सर आपका? आशीष, आशीष कुमार पनिका जी। तो अभी किस क्लास में आपकी टाइमिंग है जी? मैंने कौन सी कक्षा में अभी आपका पीरियड है सर? 1 से 5 तक है। अच्छा, 1 से 5 तक अभी आपका पीरियड है। अभी तो हम देख रहे हैं आप सो रहे थे यहाँ पर, तो बच्चे लगता है आप शराब भी पिए हैं सर, बदबू आ रहा है जी? बदबू तो आ रहा है, आप शराब पिए हैं सर? नहीं पिए हैं शराब। बच्चे, क्या आपके मास्टर जी कभी शराब पी के आते हैं यहाँ? क्या लगता है, अभी बदबू तो आ रहा है, वो ऐसा लगता है कि शराब पिए हैं? ये राज श्री पान सारे पूरे शर्ट में थूक डाले हैं सर, आप क्या ये पूरे शर्ट में आपके पूरे गाल में राज श्री पान सब बह गया है, बोल रहे हैं शराब नहीं पिए हैं? शराब तो पिए हैं सर आप? ठीक है, पर हो गया इधर पे जो हम फोन पर फोन आ रहे सर, सही जानकारी है बता नहीं है करते हैं आपको तो, आपको अभी नजदीक में है मास्टर साहब, क्या लगता है शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं अभी? आप सही से बोलिएगा सर, तबीयत तो मुझे नहीं, नहीं तबीयत की बात नहीं, शराब पिए हैं कि नहीं ये सही से बोलिए आप, क्योंकि आपके नजदीक में है, सुगंध आपको भी आ रहा है, क्योंकि कैमरे पर सुगंध तो आएगा नहीं, आप सामने सुगंध आ रहा है, तो आप सही से बोलिए शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं अभी? सर आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, सामने है शराब पिए हैं कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। पिए होंगे, आप भी घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं, सीधा बोलिए सर शराब पिए हैं कि नहीं, अभी आपके सामने है और शर्ट में भी आप देख रहे हैं पूरे मुंह में पान गुटका सब खा के बहा डाले हैं, आप देख रहे हैं सामने है, फिर आप बोल रहे हैं कि पिए होंगे? और आप प्राचार्य हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, ऐसे चलता है आपके यहाँ? क्या बताएं, अब चार शिक्षक कुल हैं। तो शराब पी के कितने लोग आ जाते हैं डेली? शराब पी कोई नहीं आते हैं सर, अभी सामने प्रूफ है सर, और आप फिर से घुमा फिरा के बता रहे हैं। आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? लड़कों से तो हम, लड़के से तो हम पूछ लेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या कहती है? ठीक है, चलिए। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वक्त हम गड़ई गाँव के हाई स्कूल पर मौजूद है, गड़ई गाँव हाई स्कूल की पूरी कहानी हम आप तक पहुँचाएंगे। पहले तो हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर कक्षा दसवीं का, ये क्लासरूम है, और दसवीं में कितने बच्चे हैं थोड़ा सा कैमरा मैन अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, और यहाँ पर चार बच्चे गिने चुने नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 69 एडमिशन है, 69 दसवीं में बच्चे हैं, ये कैसे पास होंगे, कैसे इनकी पढ़ाई चल रही है ये तो आप देख सकते हैं। और हमारे पास हेड मास्टर साहब जो यहाँ के प्राचार्य हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं सब, ये पास कैसे होंगे ऐसे में, अगर ये तो आते नहीं है, पढ़ते नहीं है, शिक्षक है, तो कैसे इनकी पढ़ाई पूरी होगी? सर मैं तो रोज डेली फोन लगाता हूँ, बच्चों को फोन लगाता हूँ, पर फोन उठाते नहीं रहते सर, उठाए तो बोलते हैं सर सर रोपा लगा रहे हैं, रोपा लगा रहे हैं, भाई जो नहीं पढ़े बोले अब रोपा लगा रहे हैं, माता पिता सर कर रहे हैं तो क्या करें? तो आखिर पढ़ाई नहीं होती तब तो बच्चे नहीं है, अभी कुछ विद्यालय के शिक्षक भी है जो शराब पी के बैठे हुए हैं, हम उनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, और जो अलग कमरे हैं उनको भी पहले दिखा देते हैं, यहाँ कितने लोग हैं ये देख लेते हैं पहले। देखेंगे ये कौन सी क्लास है सर? दसवीं क्लास है। तो चार लोग वहाँ बैठे हैं और पांच लोग ये दसवीं में है, ये कौन सी कक्षा में है? कौन से कक्षा में भैया? क्या नाम है आपका? कौन शिक्षक का पीरियड है? कौन सर अभी आते हैं पढ़ाने के लिए?
पीरियड बना ही नहीं अब तक। अच्छा पीरियड नहीं बना। और आप लोग क्या नाम है आपका? और किस कौन से सर का पीरियड है अभी जो यहाँ पढ़ाने का टाइम? अभी तक पीरियड ही नहीं बनाया गया सर। फिर आप बता रहे हैं फिर पूरा झूठ बोला जा रहा है आप लगातार। बच्चे बता रहे हैं पीरियड अब तक बना ही नहीं। 69 बच्चों में से 4 बच्चे इस रूम में, 4 बच्चे उस रूम में बैठे हुए हैं और आप बता रहे हैं कि पीरियड बना ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि ऐसा पीरियड सर बना 12 तारीख। अच्छा कागज पे बना हुआ है, बच्चों को बताया नहीं गया। कागज पे माने कागज पर पूरा कार्रवाई किया है सर। गलती नहीं, मना कर दिए। अब अतीत लोग बना है तो देख सकते हैं दर्शकों जिस प्रकार से ये विद्यालय की कहानी है हम लगातार दिखा रहे हैं। और चलते हैं मध्याह्न भोजन भी दिखाएंगे क्योंकि हाई स्कूल तक है और 0 से लेकर 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे यहाँ पर हैं। हम पूरी कक्षाओं को भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये 9वीं और 10वीं क्लास है दोनों जो अभी हमने दिखाया। सिर्फ 9वीं एक है, 9वीं कक्षा में सिर्फ एक बच्चे है और 10वीं में 5-6 बच्चे। आप सुन सकते हैं यहाँ पर सभी बता रहे हैं। और चलते हैं सर और 5-6 वाले कहाँ? कक्षा 5वीं और 6वीं होंगे, 7वीं होंगे। अच्छा 6वीं और 5वीं के 2 लोग हैं खाली। अच्छा वहाँ ताला बंद है। चलिए आइए। बच्चे हैं आज सर बताए होंगे तब तो खाना बना तो पानी। कितने बच्चों के लिए भोजन बना है आज? अच्छा आज कमे लड़के हैं। चलिए ठीक है। दाल दिखाइए कहाँ पे है? अच्छा दाल यहाँ पे, दाल यहाँ पे चूर रहा है। ठीक है ये। और इन बर्तनों में क्या रखा हुआ है? सब्जी, सब्जी क्या बनाए हैं आज? सब्जी अभी नहीं बनाए हम सर। क्या है सब्जी आज बनाने के लिए? आलू। आलू बस? हाँ। कहाँ है सब्जी? कितना आलू दिए हैं देखे तो? ये सब्जी इसमें रखा हुआ है बनाने के लिए। ये इसको बनाना है। खाली आलू है ना? हाँ। और कुछ नहीं है उसके साथ? नहीं है सर। तो रोज यही आता है कि कुछ अलग अलग आता है किसी दिन? पुनः से उसी कक्षा में दिखाने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर बकायदा कांच भी लगा हुआ है ये देख सकते हैं। और अंदर क्या है? तो यहाँ कौन बैठते हैं सर? यहाँ सब खाली हो गया सर। नहीं खाली हो गया, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी लगी हुई है और शासन का पैसा इसमें लगा हुआ है। आखिर किसके लिए लगाया गया है ये? कब लगता है सर? कब लगता है? एक घंटे। कब वो घंटा कब आएगा जब मुझे देखने को मिल जाएगा? आप आइए 11:30 बजे के बाद। तो अभी तो 11:30 नहीं बजे हैं सर? अभी तो नहीं, तो लास्ट तो 1 बजने वाला सर। तो आप तो 11:30 के बाद बुला रहे हैं और हम 12:30 बजे आ रहे हैं तो फिर आप बोल रहे हैं कि एक घंटे लगता है भैया? तो वही तो मतलब वो घंटा देखना था ना सर, कैसे मतलब क्या क्या पढ़ाई होती है यहाँ पर। ये हम बता रहे हैं जी, बताइए सर। कि एक घंटे लगता है जब इसमें वो नेट जब डलवाएंगे तब होता है। इस बार तो नेट कौन डलवाएगा सर? हमारे प्रचार मंत्री डलवाएंगे। हम डलवाएंगे प्रचार मंत्री डलवाएंगे। सर थोड़ा आपका लगता है मुंह सूख रहा है, पानी होनी कुछ नहीं। पानी होनी कुछ मंगा दें आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि आपका मुंह सूख रहा है इसलिए। भाई देखिए कहा है कि हम भी पूरे हर जगह देखिए सर। ये आखिर बच्चे नहीं है तो बिजली का बिल कौन भर रहा है यहाँ पर? ये क्या है? मान लीजिए किसी बच्चे की जान चली जाए ऐसे छूके तो ये क्या है सर? अच्छा आप पैक किए थे? अच्छा पूरा कारनामा आप कर रहे हैं वैसे? अच्छा तोड़ कौन दिया उसको? तोड़ा कौन? बच्चे लोग पूरा देखिए ना खिड़की तोड़ दिए हैं। क्या करें? अच्छा ये फैन 2400 घंटे चलता रहता है क्या? नहीं बंद होता है। ये देखिए लगवाइएगा नहीं सर, हाथ में लगवाइएगा। देखिए आराम से आराम से। तो तोड़ेंगे तो सर उसको तोड़ के क्या करेंगे बच्चे? मान लीजिए किसी करंट लग जाए इसमें तो इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? आप एक जिम्मेदार पर्सन है, पूरा सवाल का जवाब दे ही आपके पास है सर। इसीलिए इसको पैक कर दिया हूँ कि बिल्कुल नहीं।
इतने सारे पंखे चल रहे हैं, बच्चे नहीं हैं, फिर भी ये तो बंद है सर, क्यों बंद है ये? बिगड़ा हुआ है क्या? अच्छा बंद कर दिए। नहीं नहीं चलेगा सर, क्यों नहीं चलेगा? आप आखिर इसमें तो आपकी ड्यूटी है अभी कक्षा में तो, और बच्चे बैठे हुए यहाँ का बंद है, बड़ा अजूबा सिस्टम है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ अपने से इस सब व्यवस्था अपने से बनाया। अच्छा ये सब जुगाड़ आपका है? अपना जुगाड़ बनाया। नहीं नहीं बहुत अच्छे सर, मतलब गर्मी में बीच में नहीं धूप था, इतना गर्मी था, आई फ्लू था नहीं।